हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे ये डिजाइन वाला कपड़ा है तो आज मैं आपको बताऊंगी सादा ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, मेरा सादा नहीं है कपड़ा, डिजाइन का है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए, यहाँ पे बाजू है और ये देखिए पीछे का है और ये दूसरी साइड है, बाजू है। और कपड़ा तो हमारा काफी है, ये देखिए बहुत बड़ा कपड़ा है। तो ये साड़ी में से ही निकला है। अब हमें देखना है कि हमें कैसे कटिंग करनी है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था पेपर कटिंग, तो आप चाहें तो पेपर कटिंग करके इसके ऊपर रख लें। अगर आप वैसे निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे निकालना है। तो देखिए, जैसे ये हमारा पीछे का पल्लर है, तो पहले हम इसको डबल कर लेंगे और इसको हमें बराबर करके डबल करना है। कपड़ा तो हमारा काफी है। अब देखिए, वेलवेट का कपड़ा है, लेकिन इसके अंदर ये थोड़ा सा अंदर की साइड सूती है, तो हम इसमें अस्तर नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही सिल रहे हैं। अगर आप अस्तर लगाना चाहें तो अस्तर भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक किनारी देख के डबल कर लिया है इसको, और इसको बराबर करके रखना है। तो यहाँ पे पीछे का पल्लर है, तो इस पे पहले निशान लगाना है। तो देखिए, जैसे हमारी लंबाई है पीछे की, वो निकालनी है हमें पहले। तो यहाँ पे जैसे हम अपनी लंबाई रखना चाहते हैं ब्लाउज की 15 इंच की तैयार, तो यानी कि जैसे हमारी 14 इंच की लंबाई है, तो हम यहाँ पे 15 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ये 15 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमारी जैसे फिटिंग है 32 इंच, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे अपना फिटिंग का निशान 8 इंच पे, क्योंकि हमें अपनी फिटिंग के हिसाब से ही ब्लाउज निकालना है, डिजाइन को नहीं देखना है कि डिजाइन हमारी कट रही है। तो देखिए, अब हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है, ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारी लंबाई है। तो इसके बाद हमें क्या हम अब यहाँ पे लगाएंगे अपने शोल्डर का निशान। तो देखिए, हमें अपने जो शोल्डर है वो लेनी है 12 इंच के, तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा 6 इंच का हो गया शोल्डर इस तरीके से। अब आरोमल भी हम 6 इंच लेंगे, यहाँ पे 6 इंच हो गए हमारे आरोमल। तो यहाँ पे हमने चौकुटा निशान लगा लिया। अब हमें लेना है यहाँ पे, जैसे हमारा ये फिटिंग का निशान है 8 इंच, तो यहाँ पे अब ले लेंगे हम 2 इंच गुंजाइश, 2 इंच की हम यहाँ पे गुंजाइश ले रहे हैं, क्योंकि इसको हम अगर ढीला कर्रा करना चाहें तो गुंजाइश जरूरी है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें इस तरीके से गोलाई का निशान लगाना है। तो ये चौकुटा निशान है, इससे हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है, आधा इंच का यहाँ पे दूरी रख के ये निशान लगा लिया हमने। अब जैसे भी आपकी लंबाई है अगर 15 इंच, तो आप यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाएंगे। पीछे की लंबाई है वो नापते हैं हम, तो 1 इंच हमें इसको बढ़ा के लेना है। और नीचे की साइड ये देखिए, यहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है, तो हम नीचे की साइड दूसरी पट्टी लगा के जोड़ेंगे इसको बराबर करके, क्योंकि ये डिजाइन है नीचे की तो आनी चाहिए। तो यहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है, तो इसके बराबर हम कटिंग कर लेंगे। तो इसमें मैंने जो नीचे तुरपाई करते हैं वो नहीं लिया है कपड़ा, मैंने 1 इंच लिया है सिर्फ शोल्डर, जो शोल्डर में सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे। और इसमें जो अंदर वाली जो पट्टी है वो हम अलग से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है, तो ये डिजाइन चली जाएगी। तो
तो यहाँ पे मैं बस इसको ऐसे सीधा कर लूंगी और इसकी जो गले की कटिंग है वो बहुत चौड़ी है। देखिए यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई हो रही है यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से देख लेंगे कि हमारा ये गला बराबर होना चाहिए। तो नीचे की साइड भी ये मोती लग रही है तो यहाँ पे हमने बराबर लिया है। तो 6 इंच के तो मैंने यहाँ पे शोल्डर लिए और 6 इंच के लिए आरोमल और 8 इंच पे मैंने ये फिटिंग का निशान लगा लिया है। 2 इंच लिया है मैंने गुंजाइश। अब देखिए जो हमारी ये डिजाइन है उसकी लंबाई देख लेंगे तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 8 इंच है। तो हम यहाँ पे गले की चौड़ाई हमेशा 2.5 इंच की लेते हैं तो हमें 2.5 इंच की चौड़ाई लेनी है और गले की लंबाई हम यहाँ पे 7 इंच की रखेंगे। इस तरीके से हमें पहले एक चौकुटा निशान लगाना है उसके बाद यहाँ से गोलाई का, क्योंकि इसके नीचे जो नग लगे हुए हैं उससे थोड़ा सा 1/2 इंच दूरी कपड़ा काटना है क्योंकि हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अब देखिए मेरा ये पीछे का हो गया, अब मुझे आगे का पल्ला निकालना है। अब देखिए पीछे का पल्ला मैंने यहाँ पे रख लिया है तो यहाँ पे मुझे बस लंबाई 2 इंच ज्यादा चाहिए आगे वाले पल्ला में, क्योंकि आगे की साइड यहाँ पे मैं तुरपाई करूंगी और पीछे की साइड पट्टी लगाऊंगी। तो अभी मैंने इसी के बराबर रख के कटिंग करनी है। अब देखिए पीछे और आगे के पल्ला दोनों बराबर है लेकिन मैंने लंबाई 2 इंच ज्यादा लिया है। आगे के लिए कपड़ा मैंने 2 इंच ज्यादा लिया है लंबाई में और आगे का गला है वो मैं 6 इंच का रखूंगी, पीछे का ये मेरा 7 इंच का है। तो अब पीछे का हटा देंगे। अब यहाँ पे जो पट्टी अलग से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, 1/2 इंच हम यहाँ पे आरोमल की कटिंग करेंगे आगे वाला जो पल्लर है उसकी 1/2 इंच की कटिंग करनी है। अब यहाँ पे लगाएंगे तीरे का निशान। तो यहाँ पे देखिए हम तीरे का निशान लगाएंगे 13 इंच पे, ये 13 इंच पे सीधा निशान है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 इंच लेंगे जो हमारा ये गला है ऊपर की साइड और इसको हम देखिए ऐसे ले जाएंगे। अब देखिए हमारा नीचे का तीरा हो गया और ये ऊपर का है। अब हम इसमें लगा लेंगे प्लेट का निशान। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे टक्स का 9 इंच पे। अब अपनी फिटिंग का कपड़ा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 8 इंच है फिटिंग का कपड़ा। अब नीचे की प्लेट हम आधा कर लेंगे 8 इंच का।
जो भी हमारा फिटिंग का कपड़ा है उसका हम आधा कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे की प्लेट का निशान लगा लेंगे 4 इंच का, 4 इंच इसको आधा करना है तो 4 इंच हो रहा है। तो ये नीचे की प्लेट हमारी बीच में आनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगा लिया और इसके बराबर टक्स के बराबर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे जो बगली की प्लेट है उसका निशान लगाना है, तो 2 इंच ऊपर रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें 2 इंच की ये प्लेटों में दूरी रखनी है, 2-2 इंच की। तो यहाँ तलक ही हम इसको रखेंगे और इसको भी यहाँ तलक, और यहाँ पे देख लेंगे 2 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पे भी इसमें ऐसे निशान लगा देंगे। और आरोमल की प्लेट देखिए यहाँ पे आ रही है हमारी, ये बीच में इस तरीके से। तो आरोमल का हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई 3 इंच की रखेंगे, ज्यादा लंबाई नहीं लेनी है आरोमल वाली। और 2-2 इंच की हमें यहाँ पे चारों प्लेटों में दूरी रखनी है, पास पास में नहीं प्लेटें डालनी। अब यहाँ पे हम कैंची का कट लगा लेंगे जिससे हमारा दूसरी साइड भी अच्छे से निशान लग जाएगा। अब नीचे की प्लेट है वो हम 1 इंच की लेंगे गहराई में, इस तरीके से 1 इंच का निशान लगा लेंगे। इसको हमें गहराई में लेना है, चौड़ाई में ज्यादा। और यहाँ पे 3 प्लेट है वो हम 1/2 इंच की चौड़ाई लेंगे। तो ये प्लेटें हो गई और ये हो गया हमारा पीछे का पल्लर। अब हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम बाजू निकाल लेंगे। ये देखिए बाजू के लिए जो कपड़ा दिया गया है डिजाइन का, तो ये देखिए हमें एक एक बाजू अलग से निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर कपड़ा ही नहीं है, यहाँ पे ये कपड़ा नहीं है, क्योंकि डिजाइन तो ऐसे ही बना देते हैं, वो तो हमें अपने हिसाब से निकालनी है। इसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमें अंदर वाली पट्टी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा है, इसके ऊपर पट्टी रख के अंदर की साइड इसको दबा देंगे इस तरीके से। अब डिजाइन को हम बराबर करके आधा कर लेंगे। कैसे आ रही है हमारी ये डिजाइन, अब देखिए जैसे हमें लंबी बाजू निकालनी है 9 इंच की या 8 इंच की, तो उतना ही निशान लगा लेंगे। अगर हम छोटी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 4 इंच पे लगा लेंगे, अगर बड़ी रखना चाहते हैं तो हम उतनी लंबाई पे निशान लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे इसकी जो लंबाई रख रहे हैं वो रखेंगे 9 इंच की, ये हमारी लंबाई रहेगी 9 इंच की। और इसको हमने डबल कर लिया है, तो यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई 8 इंच है, बराबर करके रखेंगे कपड़े की चौड़ाई 8 इंच, क्योंकि दोनों साइड डिजाइन आनी चाहिए, पीछे भी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 8 इंच चौड़ाई है और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी भी लंबाई रखना चाहें। अब डिजाइन वाले कपड़े को क्या है, हमें अलग अलग ही निकालनी है, क्योंकि इसमें तो हमें पट्टी लगानी है और दूसरी साइड देखेंगे कैसा है। अब कटिंग का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हम 3 इंच ले लेंगे। इस तरीके से हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया, खुली वाली साइड है। अब इसको देखिए हम ऊपर की साइड ले जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से सिंपल है कटिंग करना। और यहाँ पे जैसे हमें जितनी मोरी रखनी है उतना निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम गुंजाइश लेके चल रहे हैं। अब जैसे हमें मोरी तो रखनी है 10 इंच, तो यहाँ पे तो हमारा ये फिटिंग का हो जाएगा। और 1-1 इंच ले लेंगे हम यहाँ पे सिलाई के लिए। तो ये देखिए सिंपल है बाजू की कटिंग। अब इसी को रख के हम दूसरी साइड बाजू निकाल लेंगे। क्योंकि एक कपड़ा अलग से है तो इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब ये दोनों बाजू आ गई। अब देखिए पूरा ब्लाउज निकल आया हमारा और ये काफी कपड़ा बचा हुआ है। तो ये मेरा पीछे का है और ये आगे के पल्लव है और ये हमारा नीचे का तीरा है। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरी कटिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहती हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।